आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। प्रदेश सहित नीमच जिले में भी नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। स्थानीय स्तर का चुनाव होने से मतदाताओं ने भी अपने अपने वार्ड की सरकार को चुना। अब नीमच नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 6 अगस्त को चुनाव होना है। इस दिन जनता द्वारा चुनकर भेजे गए 40 वार्डों के पार्षद मिलकर अध्यक्ष के भाग्य का फैसला करेंगे। नीमच जिला राजस्थान का सीमावर्ती जिला है। इस जिले ने प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। दोनों ही मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं। यही कारण है कि नीमच जिले को भाजपा का गढ़ माना जाता है। जनता ने भी त्रिस्तरीय और नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को बढ़त दिलाई है। नीमच नगर पालिका के 40 वार्डों में 23 पार्षद सीधे तौर पर भाजपा के चुने गए हैं। वहीं 3 पार्षद निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं, ये भी भाजपा समर्थित है, जबकि कांग्रेस को 14 सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। नगर पालिका चुनाव के बाद 6 अगस्त को होने वाले अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें रंजना करण सिंह परमार और स्वाति गौरव चोपड़ा का नाम सबसे आगे चल रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इन नामों पर पार्टी अंतिम मोहर लगा सकती है, जबकि अध्यक्ष की दौड़ में वंदना खंडेलवाल, छाया जायसवाल, किरण शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। साथ ही अगर रंजना और स्वाति पर बात नहीं बनती है तो फिर वंदना और किरण के साथ छाया पर भी पार्टी विचार कर सकती है। वहीं कांग्रेस भी जोड़ तोड़ का गणित लगाती दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि किस पार्टी के प्रत्याशी के सिर अध्यक्ष का ताज सजेगा। इसका फैसला आने वाली 6 तारीख को होगा। तो ये था आप तक का अपडेट। लगातार हर छोटी से बड़ी जानकारी भरे अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। शुक्रिया।